प्रदेश भर में कर्मचारी महासंघ ने 12 सूत्रीय मांगे लागू न होने के विरोध में जेल भरो आंदोलन में अपनी गिरफ्तारियां दी और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदेश भर में 3.5 लाख कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। रेवाड़ी में भी इस जेल भरो आंदोलन का असर देखने को मिला। सभी कर्मचारी रेवाड़ी का राजीव चौक में एकत्र हुए, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह ने कहा कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री से उनकी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने हमारी मांगें मान ली थी और उन्होंने हरियाणा दिवस 1 नवंबर को लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से हरियाणा कर्मचारी महासंघ की उनके आवास पर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर हमारी 12 मांगों पर सहमति बनी थी और जो जिन पर सहमति बनी थी उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रदेश की सरकार ने 18 सितंबर को लागू कर जारी कर दिए और उन्होंने कहा था कि जो डिमांड मानी है उनको हरियाणा दिवस के ऊपर 1 नवंबर को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 1 नवंबर को कोई भी डिमांड जारी नहीं करी। 2 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार 7 नवंबर को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। सरकार ने 2 पत्र जारी करे, एक 2011 की रेगुलर पॉलिसी का, दूसरा समान काम समान वेतन का। जो समान काम समान वेतन का जो पत्र जारी किया वो बिल्कुल गलत है, उसमें केवल 7,000 कर्मचारी आते हैं, जबकि प्रदेश के अंदर समान काम समान वेतन के तहत 60,000 और 62,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन बातों को लेकर के आज 7 तारीख है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ का अपने तय प्रोग्राम के अनुसार आज पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदेश की सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए गिरफ्तारी दे रहा है। सर, आज ये जो गिरफ्तारी दी है कर्मचारी महासंघ ने, क्या कहना है? गिरफ्तारी दी है, डिटेन कर दिया गया, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। शांतिपूर्वक